नमस्कार साथियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज ईओ आरओ का पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। जो देख के आए उनको तो पता है, जो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, बहुत ही अच्छा पेपर है। मैं आपको केवल प्रश्न बता रहा हूँ, पूरा पूरा पेपर। प्रश्न नंबर एक, कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सूडान। प्रश्न नंबर दो, किस देश ने ओघब 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया है? इंडोनेशिया, भारत, ईरान, इराक। तीसरा, फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में पीएम गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? भुवनेश्वर, दुर्गापुर, कोलकाता, रांची। प्रश्न नंबर चार, देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए अपना फ्लेक्सिल बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया? भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये करंट जीके के है। प्रश्न नंबर पाँच, हाल ही में कमांड ने राजस्थान के थारेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास तुरनास आयोजित किया, पश्चिमी केंद्रीय सेना प्रशिक्षण दक्षिण पश्चिम। बहुत ही इजी लेवल का पेपर है। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्णो जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। प्रश्न नंबर सात, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक। प्रश्न नंबर आठ, निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। प्रश्न नंबर नौ, एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली, जयपुर, गांधीनगर, बेंगलुरु। प्रश्न नंबर दस, हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत अल्का हेलीकॉप्टर मार्क थर्ड दिया है? मालडोवा, मेक्सिको, मोरको, मॉरिशस। 11 नंबर प्रश्न, कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया? दिल्ली, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? यूक्रेन, UK, USA, UAE। प्रश्न नंबर 13, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? कौस्तव चटर्जी, विग्नेश, NR साइंथन दास, VC आनंद। प्रश्न नंबर 14, आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? पुणे, पलवल, गुवाहाटी, शिलोंग। प्रश्न 15, नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांसिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? जापान, दक्षिण कोरिया, ईरान, इजराइल। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? भारत, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत, फ्रांस और UAE, भारत, रूस और चीन। 17, भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगरपालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है? राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अनुबंध, विनियम, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति के अर्जन का प्रावधान किया गया? धारा 44, 69, 15, 26, 20 नंबर प्रश्न, अचल नगरपालिका संपत्ति की सूची और नक्शों की प्रतियां हर साल प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यालय में जमा की जानी चाहिए? तो आप देख लीजिए ये प्रश्न, मैं केवल प्रश्न नंबर बोल रहा हूँ, आप प्रश्न पढ़िए और उत्तर देखिए। प्रश्न नंबर 21, अब ये नगरपालिका से संबंधित क्वेश्चन है, कुछ करंट GK के आए हैं और फिर राजस्थान GK के प्रश्न आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 23, ये नगरपालिका से संबंधित प्रश्न है, देख लीजिए कैसा पेपर आया है। प्रश्न नंबर 24, ये भी नगरपालिका से संबंधित है। प्रश्न नंबर 25, ये भी नगरपालिका से संबंधित है, क्योंकि अलग से राजस्थान GK के अलावा अलग से
नगरपालिका का सिलेबस दे रखा था। प्रश्न नंबर 26, ये भी नगरपालिका से है प्रश्न। प्रश्न नंबर 27, ये भी नगरपालिका से। प्रश्न नंबर 28 और 29 दोनों नगरपालिका से हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में हैं। प्रश्न नंबर 30 और 31 भी नगरपालिका से हैं। ज़्यादातर जीके के प्रश्न हैं, लेकिन ये नगरपालिका, वैसे भी ये भी जीके ही है एक तरीके से, लेकिन ये स्पेशल टॉपिक है। प्रश्न नंबर 32 और 33 ये भी नगरपालिका से संबंधित है, हालांकि 33 नगरपालिका से संबंधित नहीं है। 34 और 35 भी नगरपालिका से संबंधित हैं। छत्तीस और 37 दोनों नगरपालिका से संबंधित हैं। 38 और 39 ये भी दोनों नगरपालिका से संबंधित प्रश्न हैं। पता चल गया होगा कि नगरपालिका के प्रश्न कैसे आते हैं। 40 नंबर प्रश्न भी नगरपालिका का ही है। राजस्थान जीके के जो प्रश्न है वो बहुत ईजी लेवल के आए हैं। 41 और 42 ये भी नगरपालिका के हैं। 43 भी नगरपालिका का है। 44 भी नगरपालिका से। 45 भी नगरपालिका से आया है। 46 नंबर प्रश्न देखिए, टोटल 120 क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 ये नगरपालिका है। 47 भी नगरपालिका से संबंधित हैं। 48 भी नगरपालिका से संबंधित है। 49 नंबर प्रश्न भी नगरपालिका से संबंधित है। 50, प्रधानमंत्री आवास योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, ये करंट जीके का है। 51, निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम जिसमें पीएम आवास योजना के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी है। प्रश्न नंबर 52, MBU 2.0 सभी शहरों को बनाने की कल्पना करता है। 53, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से कौन सा था, सो वन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई। प्रश्न नंबर 55, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 56, इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 58, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हरिदे का सही पूर्ण रूप है। 59, सीकर जिले के नेम कथाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, आहड़, कालीबंगा, गिलोन, गणेश्वर या गणेश्वर है। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को किस जनपद के रूप में जाना जाता है, शायद सीबी के नाम से। कौन गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ का मंदिर बनवाया था, बप्पा रावल ने। 62 नंबर, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया, तो ये शायद राव मालदेव होना चाहिए, बाकी हो सकता है राव चंद्रसेन भी हो। प्रश्न नंबर 63, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, 3 नंबर उत्तर इसमें। पूरे प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है और फिर उत्तरों को भी देखना। 64 नंबर, 1870 में ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की, एजिथ जॉनसन, सी हैकेट, वी एन मिश्रा, आर सी अग्रवाल। 65 नंबर, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय संबंधित गीत गाया जाता है, बना बनी या बिंदोड़ा जो भी है। प्रश्न नंबर 66, राजस्थान में मच्छर, बिच्छू और लाचार से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 67, डॉक्टर गेसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की बोलियाँ बताई है।
68 निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध और शौर्य का वर्णन मिलता है? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? माऊजी पीपा लालदास हरिदास। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? अमनेर में स्थित हर्षद माता मंदिर की किस शैली में? गुर्जर प्रतिहार शैली में है। 72 राजस्थान मिस्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूष को तिमणियाँ कहा जाता है, एक नंबर उत्तर है। 73 अलाजिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण है मांड गायन, तीन नंबर। प्रश्न नंबर 74 23 नंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? शायद भोजी लंबरदार होना चाहिए, चार नंबर। प्रश्न नंबर 75 दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय, ये शायद झालावाड़ में, एक नंबर उत्तर है। बाकी आप कन्फर्म कर लेना, आपको पता है। प्रश्न नंबर 76 निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? दादूदयाल को। प्रश्न नंबर 77 गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, जो मक्के, चावल, बाजरा, गेहूं और बाजरे की होती तो बाजरा उत्तर हो गया। 78 भील और ग्रासी स्थानीय जनजातियाँ जो मध्य माही 56 बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें के रूप में जाना जाता है? वालरा, जामरी, आड़ोती, वागड़, शायद वागड़ होगा, चार नंबर। 79 राजस्थान की निम्न में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? लूनी, काकनी, बनास, काली। थोड़े से बहाव के बाद काकनी है, दो नंबर। प्रश्न नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बाणगंगा, माही, चंबल, बनास। अरब सागर में केवल माही गिरती है, बाणगंगा, चंबल और बनास ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसका उत्तर है दो नंबर, माही। 81 पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु श्रम सीमाएं में समान, अप्रत्याशित, निम्नतर, उच्चतर, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित है। 82 नंबर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये है आपके माणिक लाल वर्मा, 82 का चार। 83 भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 84 नंबर निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? खैर, बबूल, कोंकड़ा, पलास। 85 लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, करौली, डूंगरपुर, चूरू, जोधपुर। 86 राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? नर्मदा नहर परियोजना, महात्मा गांधी नहर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चार नंबर है। प्रश्न नंबर 87 राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, श्री गंगानगर। उत्तर चार नंबर, श्री गंगानगर। 88 सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, उसको क्या कहते हैं? मावठ, एक नंबर उत्तर है। 89 निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कटेले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है? तीन नंबर है, खेजड़ी या खेजड़ी। 90 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928, तीन नंबर उत्तर है। 91 राजस्थान का कौन सा जिला बंधेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, तो जयपुर में शाहपुरा जयपुर, एक नंबर उत्तर है। 92 गंगधार का जैवविविधता पार्क राज्य के किस जिले में? सीकर, उदयपुर, जूरू, करौली, तो ये उदयपुर जिला है। 93 नंबर प्रश्न राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सिरोही, बीकानेर, सवाईमाधोपुर, राजसमंद। प्रश्न नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? मीणा, डामोर, भीलकटिक, झुंझुनू का खेतड़ी, सिंगाना। किस खनिज धातु का उत्पादक है? अब्रक, जिप्सम, कोयला, तांबा। देखो 94 नंबर की तो है खटिक, खटिक राजस्थान की जनजाति नहीं है, और 95 में है तांबा जो खेतड़ी झुंझुनू में है। और 86 राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में स्थापित किया गया, शायद लाखेरी में किया गया था, बूंदी के अंदर। 96 का एक नंबर है, बाकी आप अपने उत्तर देख लेना। 97 में देखो 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? शायद 299 होने चाहिए। प्रश्न नंबर 98 में मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, और मौलिक अधिकार है वो यूएसए से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 99 में भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए का प्रावधान, ये भारत की संविधान की प्रस्तावना है, उसमें एक नंबर। 101 बीकानेर के पलाना में निक्षेप है ग्रेफाइट, लिथियम, कोयला, लिग्नाइट, यूरेनियम, शायद कोयला लिग्नाइट होना चाहिए। 102 निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30%
कपास का उत्पादन करता है, ये है आपका हनुमानगढ़। 103 राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु होती है 30। 104 नियंत्रक मालिका परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियत की जाती है, संसद, राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्य सरकार। शायद ये संसद के द्वारा होनी चाहिए, बाकी आप कन्फर्म कर लेना। 105 भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 2014 में, शायद गवर्नमेंट मोदी सरकार के आने के बाद ही हुई होगी, हो सकता 15 में, आप चेक कर लेना। क्वेश्चन 104 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पहले लोकपाल बने हैं, डी के जैन, डॉक्टर आई पी गौतम, पी सी घोष, पी के मोहती। प्रश्न नंबर 107 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44। 108 सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए, शायद 10 वर्ष होना चाहिए, बाकी आप देख लेना। प्रश्न नंबर 109 राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें, लोकसभा की 25 सीटें। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है, न्यायतंत्र, संसदीय मंत्रिमंडल, सिविल सेवक, नागरिक। प्रश्न नंबर 111 निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना विकल्प परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, नागरिक डेस्पोर्ट, सिटीजन यूनिवर्स, नागरिक अधिकार पत्र, नागरिक गैलेक्सी। प्रश्न नंबर 112 राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, नागौर में, चौथा उत्तर है। 113 आरटीआई 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है, आरएसबीबी, आरएसटीसी, आरपीएससी, आरआईसी। 114 राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 200, दो नंबर उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी थी, यशोदा देवी, मेनका गांधी, कमला बेनीवाल, होनी चाहिए शायद 4 नंबर उत्तर है, बाकी हो सकता है यशोदा हो। 116 राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए 37 संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, 117 राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है, 118 राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की, राजस्थान को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है, स्पेनिश सरकार, फ्रांसिस सरकार, जर्मन सरकार, ब्रिटिश सरकार। प्रश्न नंबर 119 राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था, 14, 17, 5 और 11। 120 राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है, तो ये आपका पेपर था। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस पेपर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। जैसे ही हमारे पास उत्तर आएंगे, उत्तर के लिए पेपर भेज दिया गया है, तो हम उत्तर सहित इस पेपर को दोबारा अपलोड कर देंगे। फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।